पंजाब सरकार व कृषि विभाग के दिशा निर्देशों के बावजूद पंजाब में धान की नाड़ यानी पराली जलाने के 15,000 के ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि जिला पठानकोट के लिए अच्छी खबर, जिला पठानकोट का स्कोर कार्ड इस मामले में काफी अच्छा रहा है। जिले के किसानों ने सूझबूझ दिखाते हुए पराली न जलाने का संकल्प पूरा कर लिया है। पठानकोट में पराली जलाने की घटनाओं में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो कि किसानी व पर्यावरण दोनों के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। मैं 5 साल तो लैके पराली नूं बिल्कुल अग नहीं लग रहा, तो खादा की भी घट यूज वरतों घट कर रहा, तो फिर भी लोगों नालों घा झोने तक कणक तक झाड़ ज़्यादा कढ़ रहा है। समय के मुताबिक देख रहे हैं भी खाद की लोड़ है तो पानी है, नहीं पानी तो नहीं पानी। जे कोई स्परे वगैरह भी नहीं कोई भी करा रहा है, बिना स्परे के 30 क्विंटल झोना मैं पैली चो कढ़ना हर साल। तो हूँ भी मैं पहली बारी तजर्बा कर लगा हाँ, जो कामयाब होया तो मेरे देख के आस है कि सारे तकरीबन जिम्मेदार करेंगे। मैं खेतीबाड़ी महकमे के सहयोग नाल खेती मशीनरी बैंक जी तैयार की है, तो इन्होंने सहयोग नाल ही मैं काफ़ी मशीनरी जी तैयार अपनी खरीदी है सबसिडी वाली, तो जो कि हूँ मैं अपना काम तो करांगा, नाल ही दूसरे किसानों को भी यदा फायदा पहुँचेगा। जिवें हुण असी सरदार बलविंदर सिंह अते सरदार हरमन सिंह दे खेत विच आए हाँ, तो असीं अपना जो मल्चर है चोपर पैड़ी स्ट्रा चोपर नाल इहदी पैली जिहड़ी उह झोने की कटाई कर की है, तो वह बहुत सोहना वधिया बन गया। हुण इहदा साडे को हैप्पी सीडर भी सानूं मिलिया इसे स्कीम के तहत, तो असीं अपनी भी बिजाई इसे तरह करनी है तो इन्हां दी बिजाई करनी है। इन्हां दे एक गल तो बड़ी खुशी हुई सानूं कि इन्हां ने जो दस्सिया कि मेरा झाड़ जिहड़ा 32 क्विंटल निकलिया, इन्होंने पिछली कणक ना कणक के नाल भी बिचे पाया ही तो पराली भी बिचे पाई ही पिछले साल, वह इन्होंने नतीजा मिलिया। सो मैं बाकी किसान भरावान भी यही बेनती कराँगा कि वह भी इस तरह कर, थोड़ी पैली 4 किला छोटे वे मालक अपने हिसाब न मालकी के हिसाब न अपना करके तो तजर्बा हासिल कर, वो तो फायदा उठाने और वातावरण भी वो तो साफ सुथरा रखने मदद कर, तो इस तरह ही जोड़ा वा अगे अगे कारवा अगे चलता रहे, तो अं इस काम कामयाब होइए। अज तक जो पंजाब जोड़ा वा तकरीबन 15,000 जोड़ा वा वो अग लगन के वायका जोड़े हुए हैं, पर पठानकोट के फिलहाल जोड़ा वा वो 0 बर्निंग है। यदा नतीजा ये है कि जोड़ा अं पिछले दिन पिछले 2-3 सालों तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रहनुमाई हेठ जी खेतीबाड़ी विभाग वालों जोड़ा वा ये कंपेन चलाई गई है, तो ये स्कूलों के फार्मर के नाल कैंप ला के फिर ताड़िया सोशल मीडिया का प्रिंट मीडिया ये सारे की वरतों करते फार्मर तक आप जी अपनी गल पहुँचाई ही, तो कुछ जोड़े साढ़े मिल जोड़े साढ़े पशु पालक ने उन्होंने आप समझाने काबजो रहे हैं भी इनू एज ए फॉडर यूज़ करो, इनू मतलब चारा तुम वरतोगे तो जोड़ा वा ये खर्चा भी घटेगा, तो एक साढ़ा जो पोल्यूशन जोड़ा वो भी जोड़ा कंट्रोल च रहेगा। सो ये 95% जी पराली जी है झोने की पराली जी एज ए मतलब कि एक चारे तौर पर जी वरती जा रही है, तो बाकी जी हूँ जो पिछले 2 सालों के खेतीबाड़ी विभाग वालों जी सबसिडी से जो दिए गए हैं उदों वरतों करते हुए जो फार्मर ने किसान ने वो उन्होंने बेच ही जोड़ा वह जजब कर रहे हैं, खेतों के संभाल रहे हैं, हैप्पी सीडर नाल बिजाई कर रहे हैं,
ਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਰਨਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਲ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 315 ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆ, 4 ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੇ, 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਉਹ ਅਦਾ ਅਗਲੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ 28 ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ 12, ਅਤੇ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹ 9। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਬਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ 30 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਜੇ ਬਚਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਆਸ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ।